जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। आज दोस्तों आपको पता है जिस तरह से वन डे हमारा मास्टर साहब के साथ लगा हुआ था और मैं इस वक्त मुंसिफ भी कर रहा हूँ सर जी इतलावा दे रहा हूँ, जानते सानू की करना जे दोस्तों। ये मैं जाने नहीं दे रहे जी, इनका कबूतर 11-12 बजे बैठ जाया करता था रोज, ठीक है। आज ये कह रहे हैं जी मेरा निकल के आना है, ठीक है। 5 बजने वाले हैं, टाइम देखें क्या हो रहा है दोस्तों। सूरज ये देखें ग्रुप होने को आ गया, बाकी ये पीछे आपको सूरज की जो है ना वो किन्ने नज़र आ रही होंगी, माशाल्लाह से सूरज कितना प्यारा नज़र आ रहा है जी, जो कि ग्रुप हो रहा है। और मास्टर साहब हमें जाना नहीं दे रहे जी, कह रहे हैं नहीं जी मुंसिफ को उठने नहीं देना जब तक टाइम नहीं पूरा। सर जी टाइम तो नहीं कोई नहीं लिस्ट दे, फिर तुम मैं उठाओगी नहीं, इसका मतलब है। हाँ जी हैं, पीदा खा के जाए सर जी मैंने ये दस दो मैं अगे कि थोड़े तो मास्टर साहब की नीड पे हूँ इस वक्त, नीचे से अगर ऊपर से आ गया तो फिर तो समझ सकते हैं आप सारी बात को। बाकी खैर जी बड़ा अच्छा शुगर मेला हुआ है आज, बड़ा मजा आया। मैं ना तो मेरे कबूतर उस तरह के थे ना मास्टर साहब के थे जो इतना इतना उड़े। जो मेन कबूतर थे मास्टर साहब ने भी अपने पीछे किए हुए हैं, उनको मतलब खप्पे डाल दिया, वो नहीं उड़ा रहे अब। और जो मेरे थे मैंने भी पीछे कर दिए कबूतर। तो बाकी ये है कि चलें जो अब न्यू तैयारी श्यारी कर रहे हैं उसके लिए जो है ना वो कबूतरों को उड़ा रहे थे, तो सोचे चलें यार थोड़ा सा क्यों ना इंटरटेनमेंट भी हो, वैसे भी हम फारग रहते हैं तो कबूतरों पे क्यों ना थोड़ा सा जो है ना वो करना चाहिए। यहाँ पे कुछ भाई जो है ना वो उनको पता कोई नहीं सही है सब बात का, वो बोलते हैं कि यार आप इकट्ठे शो करते हैं और अब जो है आप शो के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये बात नहीं मतलब हमें गम हो रही। तो उसके लिए यह यार थोड़ा सा ना इंजॉय करना चाहिए बंदे को, ठीक है। वैसे अब सीजन आउट हो गया, आपको पता है जिस तरह से ना तो कोई बाजी उड़ रही है ना कोई कप उड़ा रहे हैं, फिर कबूतरों को भी ऐवें ही छोड़ने से ये है कि चलें यार थोड़ा सा एक तो कबूतर जो है वो चल जाएंगे हमें आने वाले टाइम में, मतलब जो कबूतर अच्छे रहेंगे वो आने वाले टाइम में हमें साथ देंगे हमारा अच्छा, क्योंकि जो इन दिनों में कबूतर अच्छा लग जाएगा वही आगे जाके पटाइयाँ दे के दोबारा जो है ना वो लैस होकर उस पर ज़्यादा मतलब इतमाद रहता है। अभी दोस्तों आपको पता है जिस तरह से हमारे पास भी न्यू कबूतर हैं और न्यू कबूतरों से जो है ना वो आपको पता है फिर इसी तरह से निज़ाम चलते हैं। तो खैर दोस्तों मास्टर साहब के अब 7 कबूतर मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे और जो आज बैठे हैं वो 6 कबूतर आपको दिखा देते हैं जी, जो जो बैठे हैं। और यकीन माने एक मरतबा तो काम हो गया था मेरा, जो कबूतर इनका बैठ रहा था मुझसे 5-7 मिनट ऊपर ही होकर बैठ रहा था, नीचे नहीं कोई हो रहा था, मैं देख रहा था कि यार आज ये क्या बन रहा है। तो वो आगे खुदा की करनी हुई है जी, इनका कबूतर ही 7वां बैठा और मैं जीत गया हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरा दरअसल ना दोस्तों सोच भी यही थी कि मैं जो है ना वो यही काम करूँ कि अपने पास कबूतर पूरे करूँ, छोड़े सारी चीज़ों को उड़ाना मतलब शाम शाम लेनी है ये वो सारे काम छोड़ दिए, बस कबूतर पूरे रखे हैं। और पता नहीं मास्टर साहब यहाँ पे जाकर थोड़ी सी मिस्टेक कर गए या क्या मसला बना, बाकी इनका एक कबूतर आज शार्ट हुआ है। तो बहरहाल जो भी हुआ जी कोई बात नहीं, क्या वो देखे जो भी है फिर भी नुकसान तो मुझे भी मतलब उस चीज़ का दुख लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ये छत जो आप देख रहे हैं इससे हम जो है ना अगले सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मैं घर से उड़ा रहा हूँ ये आगे नहीं यहाँ से बाजी उड़ानी, क्योंकि अब यहाँ पे जब बनाएंगे फिर ही वहाँ से उड़ाएंगे मतलब बाहर हवेली में ला के, तो वैसे नहीं करेंगे, करना हुआ तो इसी छत से शो करेंगे, ठीक है। तो ये मसला है जी। सर जी ये किसका है? तेरों डारी लगदा पे डारी लगना है सर जी, और क्यों होना है, तुहाड़ा गेट लो आ गया तो कहना लिहो जी अब मेरा आ गया जी, ठीक है। भावे तुम हूं कहते हो कि 12 बजे आना सी है, 12 बजे आले थी अभी आकी के ज्यादा आला थी 12 बजे आला आज लगदा है गोला भारा दिता है उन्होंने कोई शायद दीती सुबह दे कोई गल रटी है ना कोई शायद नहीं दीती कोई शायद दीता कबूतर इन्हां दे मेरे तो 5-5, 7-7 मिनट बाद के बैंदे रहने, ठीक है। इत्थों तक 2 घंटे का फर्क पै गया सी, इंजी गल है सर जी। कबूतर जिमें निकल के आ रहा था मेरे उपरों सारे बैग हैं तो हले भी तीन उत्ते सन, मैं गलो मर गया भाई जे तीन ही 2 घंटा भी बता के जान तो कम मुक गया तो मुक गया असी, बस वो किस्मत चंगी सी बच गया वहाँ। बाकी दोस्तों तो इनके कबूतर आ सर मैं शेयर करता हूँ। तो मास्टर साहब ने दाना पानी करवा दिया कबूतरों को, ये जी एक कबूतर है ये देखें। अच्छा ये कबूतर जी बड़ा ही उड़ता है मास्टर साहब का, बाकी आज इसको पता नहीं क्या बना है, ये नहीं उड़ा, बाकी ये बड़ा अच्छा उड़ता है। और ये दोस्तों एक मादी है, सर्दियाँ 1:30 बजे मादी बैठी जे, ये दोस्तों टैडन मादी है 1:30 बजे बैठी है मास्टर साहब की है सर जी, ऐ 1:30 बजे मादी बैठी जी, क्या चिट्ठी बैठी है ऐ बैठी है ना ओह सारे थले जी डायरेक्ट वो मादी
फिरोजपुरी कबूतर है ना। बाकी दोस्तों ये कबूतर है जी, छे पांच है, छठा किथे सर जी गया। अच्छा वो गुजरात वाला बच्चे का शो की करा दो, बड़िया धुमा पईयां ने गुजरात वाला, गुजरात वाला अज गुजराती ने कम भी बाकी गुजरात वाले किते ने। ये डेढ़ बजे बैठा आ गया, बड़ी गल है। एदा शौक है जी करवा दे हां जरा सर जी। गुजरात वाले बच्चे दी ना ले अठवां परा विच कराया पल्ला, बड़ा वधिया सर जी। उस तो बाद इक तला वेखो कन्नी इक है वे, इक इथे विच कराई है। अच्छा ते 400 चलांदे रहे इनां नूं? नहीं नहीं हां जी सुनाए ने, अठ पर दा हो गया बच्चा। ये दिया कदा जरा शौक करवाया जे। ये दोस्तों मैं ही मास्टर साहब को दिखाता रहा हूँ बार बार, इनके कबूतर से दिखाता मैं रहा हूँ आज। सर जी ये आपका आ रहा है गुजरात वाला जी, गुजरात वाला, गुजरात वाला ये है बच्चा जी। छोड़ो सर जी इधर अंदर ना, वेखो तो ना इंतजार दिया घड़ियाँ मुक गई ने। बाकी दोस्तों ये है जी माशाल्लाह से गुजरात वाला बच्चा, अच्छी परफॉर्मेंस रही है जी इनके कबूतरों की भी। आज मेरे कबूतरों से बड़ा अच्छा उड़ गए हैं ये। मेरा तो एक बजे एंड हो गया था, बाकी इनका डेढ़ बजे जाके एंड हुआ है, और दो बैठे हैं डेढ़ बजे। मेरा एक 12 बजे बैठ गया, फिर एक एक बजे बैठा आके। तो सर जी हम सू इजाजत है? क्यों अली भाई कह रहा नहीं इजाजत है जी। सर जी इंज तो ना करो हम कि थोड़ा हम कबूतर ही नहीं नजर आ रहा है, 12 बजे वाला सी तो हम। हाँ जी इजाजत है, कन्फर्म कन्फर्म होने कबूतर आ गया। मैनू नहीं कहना बाबर साहब लिखो फिर, ठीक है ठीक है। आए जित गया मगर टाइम मगर दोस्तों बड़ा एंजॉय हुआ जी, बड़ा मजा आया, ठीक है। और ये शुगल मेला होता है यार, शुगल मेला लगाना चाहिए और शौक इसी तरह से दोस्तों करते रहना चाहिए शुगल मेले के साथ, फिर ही मजा आता है। तो वो लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं होगा जी, जिस तरह कुछ भाइयों के जाना सोचना आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा फिर हो जाता है, फलां फलां मसले मसायल बन जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो नहीं होगा। शुगल मेले की बना पे हम जाना वो शौक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह से करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह पिज़्ज़ा खाएंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। मास्टर साहब आप पता नहीं आज खिलाएंगे या कल खिलाएंगे। सर जी कितना खिलाएं अज किस टाइम? ठीक है दोस्तों, फिर पिज़्ज़ा के साथ ही मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को, इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ सर जी, अल्लाह हाफिज़।